नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने वाला चालवा चीन लगातार इस बात को छिपाने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि उसके यहां से इस खतरनाक वायरस का जन्म नहीं हुआ, मगर धोखेबाज चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है। यही कारण है कि आज चीन पूरी दुनिया में चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर चीन चाहता तो कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया को बचा सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस खतरनाक वायरस को फैलाने के लिए उसने खतरनाक साजिशें भी रची। पहले तो इस वायरस का खुलासा करने वाले चीनी डॉक्टरों को चीन की वामपंथी सरकार ने अंडरग्राउंड करा दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये भी खबरें आई कि चीनी सरकार ने कोरोना का खुलासा करने वाले कई जाने माने डॉक्टरों को मौत के घाट भी उतरवा दिया। इसी बीच अब चीन से जान बचाकर अमेरिका पहुंची चीनी वैज्ञानिक ने कोरोना को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। चीनी साइंटिस्ट ने कहा है कि जब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताया, उससे काफी पहले से चीन को वायरस के बारे में पता था। साइंटिस्ट डॉक्टर ली मैंग यान ने कहा है कि सुपरवाइजर ने उनकी रिसर्च को भी नजरअंदाज कर दिया था, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती थी। अप्रैल 2020 के आखिर में ली मैंग यान हांगकांग से भागकर अमेरिका चली गई। कैंपस से निकलते वक्त उन्होंने बेहद सावधानी बरती ताकि सेंसर और कैमरों की नजर से बच सके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पकड़ी गई तो जेल में डाली जा सकती है या फिर उन्हें गायब भी किया जा सकता है। डॉक्टर ली मैंग हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट रही हैं। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ली मैंग यान ने कहा कि चीन की सरकार उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की कोशिश कर रही है और उन्हें चुप कराने के लिए साइबर अटैक करवाए जा रहे हैं। अगर वो कोरोना से जुड़ी सच्चाई चीन में बताती तो उन्हें गायब करके मार दिया जाता। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले सामने आने के बाद शुरुआत में चीन के ज्यादातर डॉक्टर कहने लगे, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, हमें मास्क पहनने की जरूरत है। दरअसल ली मैंग यान को डर है कि वो अब कभी अपने घर लौट नहीं पाएंगी। फिलहाल वो अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। यान ने दावा किया है कि वो दुनिया के चुनिंदा साइंटिस्ट में शामिल थी जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस पर स्टडी की। उन्होंने कहा कि चीन ने दिसंबर 2019 में हांगकांग के एक्सपर्ट को भी कोरोना पर रिसर्च करने से रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जानने वालों से कोरोना की जानकारी जुटाई। चीन में ही पली बढ़ी और पढ़ाई करने वाली यान को चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साइंटिस्ट ने 31 दिसंबर 2019 को ही बता दिया था कि कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है, लेकिन तब तक चीन ने WHO या दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दी थी। वही 9 जून 2020 को एक बयान में WHO ने कहा था कि चीनी अधिकारियों के मुताबिक कोरोना इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। तब तक तो ये वायरस दुनिया में तबाही की विनाशकारी लीला दिखा चुका था। कोरोना महामारी को लेकर सबसे पहले चेताने वाली वुहान की डॉक्टर आई फैन अचानक गायब हो गई थी। डॉक्टर फैन वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में आपातकालीन विभाग की निदेशक थी, लेकिन कहते हैं कि सत्यमेव जयते न नित्यम, यानी कि सत्य की जय होती है ना कि असत्य की। इसीलिए आज चीन पूरी दुनिया में बुरी तरह से घिरा हुआ है। हर देश उसकी अकड़ ढीली करने में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।